हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय का बछड़ा गंभीर रूप से घायल, फोर लाइन हाईवे पर उपचार करवा कर भेजा। पीएफए पटेल ने नहीं दी सिरोही को कोई बड़ी सौगात। केंद्र सरकार को अवगत करवा कर घायल पशुओं के लिए पशु एम्बुलेंस टोल नाकों पर मुहैया करवाएं। सांसद पटेल मीणा शिवगंज उपखंड के फोर लाइन हाईवे पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आज वेरा वीलपुर के पास अज्ञात वाहन ने एक गाय के बछड़े को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी सूचना ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को मिली। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आसपास के कार्यकर्ताओं को सूचना देते हुए वेर वीलपुर से पृथ्वीराज सिंह को घटनास्थल पर भेजा। बाद में पशु एम्बुलेंस के अभाव में निजी वाहन से घटनास्थल पर पहुंचकर घायल बछड़े को गौशाला पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बछड़े की हालत गंभीर थी, उसके मुंह से रक्त बह रहा था, विभिन्न जगहों पर बड़े बड़े घाव पड़े हुए थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे में उसके सड़क के पास में बिठाया गया, उपचार की सख्त जरूरत थी। कार्यकर्ताओं ने पीपल फॉर एनिमल सचिव अमित सिंह देओल की जानकारी देते हुए तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस की मांग की। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए कंपाउंडर सहित पीएफए स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर घायल बछड़े का कार्यकर्ताओं की मदद से उपचार शुरू करवाया गया। बाद में उसे पीएफए के एम्बुलेंस में रखवा कर पीएफए गौशाला सिरोही भेजा गया, जहां उसका उपचार नियमित रूप से किया जाएगा। इस दौरान गजेंद्र सिंह सिसोदिया, मिथुन मीणा, विनोद भाटी, सुखदेव सिंह पप्पू, राम सिंह, जगदीश हीरागर आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि पशु रोजाना काल का ग्रास बन गए हैं। ऐसे में पशुओं को इलाज की सख्त जरूरत होती है। समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। निजी ऑटो से निजी वाहन स्वयं की मोटरसाइकिल से घायलों को गौशाला पहुंचाते हैं तो कई बार देरी हो जाती है, ऐसे में उनके प्राण भी नहीं बचा पाते। टोल कंपनी व केंद्र सरकार से कई वर्षों से पशु एम्बुलेंस की मांग करने के बावजूद भी आज दिन तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। टोल कंपनी केंद्र के अधीन आती है, लेकिन सांसद देवजी एम पटेल द्वारा भी इस मामले को अवगत करवाने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश के टोल नाकों पर पशु एम्बुलेंस सड़क के दोनों तरफ लोहे के जाले की व्यवस्था करवाने हेतु मांग उठ रही है, पर आज दिन तक कोई सुध नहीं ली जा रही है। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।